314 पॉजिटिव केस पाए गए हैं कोरोना वायरस के। ये संख्या 314 तक अचानक पिछले 4 दिनों के अंदर ज़्यादा बढ़ी है। इसमें 168 तो केवल तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, अन्यथा उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कंट्रोल करने की ओर पूरी तरह इसको बढ़ चुके थे, लेकिन अचानक ये संख्या बढ़ी है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो पहले दिन ही इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, उसको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना और उसकी बुनियादी सुविधाओं के लिए शासन स्तर पर पूरा प्रयास करना, प्रशासनिक मशीनरी उसके लिए पूरा कार्य करेगी, हम लोग उसी पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। और तबलीगी जमात से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सब को भी क्वारंटाइन में डाल करके उनके कॉन्टैक्ट से जुड़े हुए लोगों को अब प्रयास किया जा रहा है कि हम उन्हें लेकर के उन्हें भी क्वारंटाइन में डाल करके पूरे समाज को यानी कोरोना को स्प्रेड होने से रोक सकें। अब तक हम लोगों ने इस कोरोना से प्रदेश के अंदर 25 हमारे कोरोना पॉजिटिव अब तक ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में हमारे यहाँ जो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती पेशेंट हैं इनकी संख्या अब तक 438 है। क्वारंटाइन वार्ड में जो अभी लोग हैं उनकी संख्या लगभग 4000 है। सर्विलांस में रखे गए जो लोग हैं जिन पर हमारी नज़र है ऐसी संख्या 61,500 से अधिक है। हमारे यहाँ जब कोरोना का पहला पेशेंट 3 मार्च को आया था तो उस समय प्रदेश के अंदर एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज हमारे पास 10 टेस्टिंग लैब प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं और इन सभी टेस्टिंग लैब के माध्यम से हम प्रतिदिन 1200 से 1500 के बीच में टेस्ट सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यह व्यवस्था आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पाई है। जांच में जो अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के जो सैंपल लिए गए हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के परिणाम सामने आए हैं। हमारे पास अभी तक जो प्रदेश के अंदर आइसोलेशन बेड हैं ये भी हम लोग 6000 से अधिक आइसोलेशन बेड अपने पास यहाँ पर तैयार करके रखे हुए हैं। क्वारंटाइन बेड की संख्या भी लगभग 12000 के आसपास हमारे पास मौजूदा समय में है। लेवल 1 के हमारे पास 75 हॉस्पिटल, हर जनपद में एक हॉस्पिटल को हम लोगों ने लेवल 1 का कोविड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया है। लेवल 2 के 51 हॉस्पिटल वर्तमान में हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और लेवल 3 के भी 6 हॉस्पिटल हम लोग वर्तमान में तैयार कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो हमारे 75 जनपद हैं इनमें से 37 जनपद ऐसे हैं जिनमें एक न एक पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट पाया गया है। ये हमारे प्रदेश की वर्तमान की स्थिति है। यद्यपि हम लोगों ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब दुनिया के अंदर पहले चाइना में फिर यूरोप के कई अन्य देशों में इस महामारी का प्रकोप देखने को मिला था तो हम लोगों ने यहाँ पे अलर्ट जारी किया था और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी अलर्ट जारी करते हुए लोगों से इसके प्रति सावधानी बरतने के लिए